नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। सेंट्रल डिबेट में आप सबका स्वागत है और आज हम लोग बातचीत करेंगे, नेताओं में बचा नहीं है दम, अभिनेता ठोक रहे हैं खम। और यह विषय अपने आप में बिल्कुल स्पष्ट है, आप समझ रहे हैं कि आशय आज की जो बातचीत है उसका आशय हम लोगों का क्या है। और आप ये देखते हैं कि हम लोग किसी गंभीर विषय पर बात करते हैं और अपने वक्ता भी उसी तरह से चुनते हैं जो शोर शराबे से अलग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहते हैं और अपना विचार रखते हैं, ताकि जनता दीर्घा तक कोई एक खास बात, कोई एक नई बात आपके समक्ष जाए और वो आगे बढ़े। आज जो विषय है वो हम जब वक्ताओं के साथ आएंगे, बातचीत में उतरेंगे, तब और चीज़ें साफ होंगी। लेकिन आपने देखा है कि किस तरह से हम लोग लगातार इस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि पूरी राजनीति, पूरी सियासत, पूरा चुनाव व्यक्ति केंद्रित होता चला जा रहा है, चेहरा केंद्रित होता जा रहा है। अब जो है, जो लोकतंत्र का की जो एक अवधारणा थी कि गुलदस्ते में बहुत सारे फूल सजेंगे और उन फूलों की, अलग अलग फूलों की खूबसूरती, अलग अलग फूलों की खुशबू, उससे एक पूरा लोकतंत्र सुवासित होगा, यह बात अब पिछले दिनों की बात रह गई है। अब गुलदस्ते में केवल एक बड़ा फूल दिखाई पड़ेगा। कल भी डिबेट में यह बात हुई थी और आज भी। और अब नेताओं का जो चेहरा है, ये जो कल बात हुई थी, कल डिबेट में बात हुई थी कि एक लोकतंत्र के गुलदस्ते में केवल एक बड़ा फूल, और अब आप ये देखिए कि ये, इसकी वजह यह है कि नेताओं को ये लगने लगा है कि उनकी चमक धूमिल हो गई है और इस वजह से अब उनको अभिनेताओं की तलाश है जिनकी चमक के सहारे ये संसद में भीड़ जुटाएंगे। और मैं ये सोच समझ कर कहता हूँ, भीड़ जुटाएंगे। हमारे बीच में सबसे पहले इस पर विषय पर बातचीत शुरू हो, इसके पहले मैं अपने वक्ताओं से आपका परिचय कराता हूँ। और आज मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ डिबेट में पहली बार लखनऊ के बहुत ही मानिंद जो सिटीजन हैं, नागरिक हैं, और हमने अभी बैक स्टेज अभी बात में कहा कि लखनऊ वालों की एक जिम्मेदारी है कि ऐसे शख्सियत, ऐसे व्यक्तित्वों को संभाल कर रखें। हमारे साथ नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं, बहुत ही प्रमुख समाजसेवी हैं। आप टीवी की दुनिया में और समाज सेवा की दुनिया में आप उनका चेहरा, उनके लिए परिचय कोई, मुझको लगता है कि कुछ कहने में परिचय छोटा पड़ जाएगा। नवाब साहब, आपका बहुत स्वागत करता हूँ, आप हमारे साथ डिबेट में आए, हम लोग अभी बातचीत करेंगे। हमारे साथ अल्लामा ज़मीर नकवी, वरिष्ठ पत्रकार की हैसियत से आप आज हमारे बीच मौजूद हैं। नकवी साहब, आपका बहुत स्वागत है। आज सदफ जाफर हमारे बीच समाज सेवी के रूप में मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मौजूद हैं, सामाजिक चिंतक के रूप में मौजूद हैं। आज उनको मैंने आग्रह उनसे किया कि आज पॉलिटिकल फ्रेम छोड़कर एक नागरिक की हैसियत से आप हमारे साथ बैठे और बातचीत हो। आपका सदफ जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, और विवेक जी, आपके लिए भी मेरा यही कहना है कि आप एक प्रमुख समाजसेवी हैं और एक अच्छे, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, एक नागरिक हैं, उस हैसियत से आप हमारे साथ हैं। आज पार्टी लाइन को अलग कर दें और हम लोग सामाजिक लाइन पर और कंट्री के लाइन पर बातचीत करें। आपको ये बता दें कि हमारे बीच एक और एक हस्ती, फिल्मों से जुड़ी हुई हस्ती हमारे साथ आने वाली है, शायद हम कहते हैं कि है, इसलिए कि उनके यहाँ कुछ, किसी बच्चे की तबीयत खराब थी तो उन्होंने कहा है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो आए। तो इस बीच में अगर आ जाते हैं तो उनसे भी बातचीत होगी। और एक सूत्रधारीय भूमिका, नवाब साहब, मेरा, हम लोगों का जो डिबेट का जो चलन है, जैसा मैंने पहले कहा, अब सामने दर्शक दीर्घा है, मैं इनके सामने मुखातिब रहता हूँ और इनको ये कहता हूँ बार बार कि हमारी उनके बीच की जो दूरी है, ये कैमरा हटा देता हूँ और दर्शक दीर्घा सीधे सामने है और कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। हम लोग, ठीक है, कैमरा है, लेकिन हम लोग जैसे ड्राइंग रूम में बैठे हैं, लोगों के साथ बैठे हैं जी, और पूरा अनौपचारिक हम लोगों की बातचीत होगी। तो नवाब साहब, आपके पास सबसे पहले आऊँगा, और उसके पहले एक कविता, हालांकि सदफ आप खुश मत होइएगा, ये कविता नागार्जुन ने उस समय लिखी थी जिस समय आपातकाल का ये था, और उन्होंने इंदिरा गांधी को लेकर ये कविता लिखी थी। लेकिन भारतीय लोकतंत्र में एक बार फिर उसका अंदेशा सामने में खड़ा होने लगा है और उस पर वो कविता बड़ी, बहुत ही मौजू है। मैंने उसकी चार लाइनें उठाई हैं, उसमें थोड़ा सा फेरबदल किया है। तो वो कहते हैं, नागार्जुन कहते हैं,
कि खूब तने हो खूब अड़े हो। हालांकि उस समय कही गई कविता में खूब तनी हो खूब अड़ी हो ये था, लेकिन बहरहाल आज के प्रसंग में खूब तने हो खूब अड़े हो, लोकतंत्र को कौन पूछता तुम ही बड़े हो। खूब तने हो खूब अड़े हो, लोकतंत्र को कौन पूछता तुम ही बड़े हो। और समप करता हूं, लंबी कविता है लेकिन आज के प्रसंग में बिल्कुल आप नवाब साहब पाएंगे कि यह मौजू है कि राजा होंगे इर्द गिर्द बस गुल्लू होंगे, राजा होंगे इर्द गिर्द बस गुल्लू होंगे, मोर न होगा हंस न होगा बस उल्लू होंगे। और ये जो आज का जो मौजू है ये कविता बहुत पहले लिखी गई नागार्जुन। वो कहते हैं कि कवि और साहित्यकार और दार्शनिक जो होते हैं वो लंबी दूरी तक देखते हैं, और उनका देखा हुआ वो आपातकाल के समय कांग्रेस उस समय इंदिरा गांधी के समय जो स्थिति बनी थी, आज कमोबेश हम उसी तरफ लौट रहे हैं। और ये जो चेहरे हैं ये किस तरह से चेहरे आम कार्यकर्ताओं के, आम नागरिकों के चेहरे नहीं हैं, आम कैडर के चेहरे नहीं हैं, और ख़ास ख़ास चेहरे अब यहाँ तक कि फिल्मों से उठाकर चेहरे लाए जा रहे हैं। नवाब साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूँ, आपका जो एक विचार है इस पर है, जो एक विषय मैंने रखा उस पर जो आपका केंद्रीय विचार है, उस तरह से सारे वक्ता अपने अपने विचार रखेंगे और फिर हम लोग बातचीत में आएंगे। आपने नागार्जुन साहब की ये चंद लाइन्स पढ़ी, मैं आपको सन 1967 में हमारे एक चचा थे अनवर नवाब साहब, उन्होंने भी बहुत ही दूरंदेशी के साथ चंद अशार कहे थे जी, वो मुलाहजा फरमाएं जी। उन्होंने फरमाया था कि कब गुजारिश है कोई लुख्मय तर दो हमको, है फ़कत पेट की आवाज़ के भर दो हमको, नंगे भूखे हैं परेशान हैं किधर जाएं हम, ऐसे जीने से तो बेहतर है कि मर जाएं हम। क्या बात है भाई, माना अंग्रेज़ ने जनता का लहू चूसा था, तुमने तो जिस्म के ढांचों को ना बाकी रखा, जुल्म के घोड़ों से इस तरह पामाल किया, हड्डियां इतनी पिसी हो गईं सुरमा सुरमा, माना के हिंद में चंगेज़ हलाकू आए, एक कज़ाक गए दूसरे डाकू आए। क्या बात है, क्या बात है। अब आपने ये जो माहौल फरमाया है, ये एक्चुअली ये पॉलिटिकल पार्टीज़, ये वो पार्टीज़ जिनके पास पॉलिटिकल अच्छे ख्यालात के, अच्छे नफ्स के, अच्छे कैरेक्टर के लीडर्स नहीं रहे हैं, वो एहसास कमतरी में मुब्तला हैं, और वो ये समझ रहे हैं कि अगर फिल्म इंडस्ट्री से पॉपुलर हीरोज़ और हीरोइंस को वो अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे तो वो उनको जिता देंगे, तो ये उनकी एहसास कमतरी है, ये उनका एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अब इनमें खुद सकत नहीं रही तो इस तरह के लोगों का वो सहारा ले रहे हैं। मैं आऊँगा नवाब साहब फिर से, और आपसे थोड़ा सा थोड़ी बात नहीं सुननी है, आपसे बहुत सारा ढेर सारा सुनना है। और ये जो एहसास कमतरी है जो पार्टीज़ की, इसकी वजह क्या है और हम डेमोक्रेसी को किस तरफ ले जा रहे हैं, इस गंभीर पहलू पर भी हम लोग विचार करेंगे। पहले जो सेंट्रल आइडिया है सब लोगों के वो सामने आ जाए। अल्लामा, मैं आपकी तरफ हूँ। देखिए, जो सियासी पार्टियां हैं उनका मोटिव जो हो गया है और उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि समाज का पूरा लिबास जो है वो अब बदल गया है, अब भ्रष्टाचारी, दबंग, माफिया, यही लोग एक समाज का चेहरा बनते जा रहे हैं, और पार्टियां उनको इसलिए ले रही हैं कि पार्टियों को भी सुविधा शुल्क चाहिए, पैसे चाहिए, भ्रष्टाचार से पूरी तरीके से त्रस्त हो गया है समाज, आज पूरा देश उससे करार उठा है। और जहाँ तक फिल्मी हस्तियों का सवाल है तो ये वो फिल्मी हस्तियाँ हैं कि जिस तरीके से जंगल में शेर अगर बूढ़ा हो जाता वहाँ नहीं लड़ने की क्षमता रहती है तो शहर की तरफ रुख कर लेता है, तो ये वो लोग हैं कि जो डेड हो चुके हैं अपने वर्क में, अपने एक्टिंग में,
अपने कामों में आप इसमें देख लें, समीक्षा कर लें, या तो जिनकी फिल्में नहीं चली वो अब इस मैदान में हैं, या अब वो उन किसी काम के नहीं रह गए हैं वो इस मैदान में हैं। यानी डेड पर्सनालिटी को जो फिल्मी है उसको ला करके यहाँ पुनर्जीवित किया जा रहा है, चूँकि पैसे की सबको ज़रूरत है, तो उनको एक मौका मिल रहा है कि भाई इसी बहाने हम भी एक लीडर हो जाएं, मिनिस्टर हो जाएं, कुछ नहीं तो सांसद हो जाएंगे, तो सांसद निधि का फायदा मिलेगा। ये सब चीज़ें हैं जिसने समाज को और देश को। चलिए, ये जो है ये अच्छी बात, अल्लामा से एक बात जो निकल के आई उसमें ये है कि जो खुद डेड हैं वो दूसरों को संभालने चले हैं। हाँ, तो मैं सदफ आपकी तरफ आ रहा हूँ, और आपकी, आप कांग्रेस की प्रवक्ता भी हैं लेकिन आज एक समाज सेवी और एक नागरिक की हैसियत से आप यहाँ हैं, तो नहीं ठीक है, पार्टी लाइन तो आती ही है बातचीत में, और लेकिन इस मसले पर आपकी जो एक इंडिपेंडेंट राय है वो क्या है? पार्टी के लाइन पर तो हम लोग फिर बातचीत में आएंगे बाद में। देखिए, ऐसा होता है कि जैसे माँ की ममता होती है उसको आप किसी डिग्री से नहीं नाप सकते हैं कि इन्होंने मास्टर्स इन ममता किया है या मदरहुड किया है, इसलिए ये एक बेहतर माँ है, और इन्होंने नहीं किया है या मास्टर्स इन पेरेंटिंग नहीं किया है तो ये एक अच्छी माँ नहीं हो सकती है। पढ़ाई इन जनरल का जो असर होता है उस पर मैं नहीं जाना चाहती हूँ, उस पर एक अलग डिबेट है। उसी तरह से नेता होने के लिए, मैं पार्टी लाइन से बिल्कुल इतर हट के बात कर रही हूँ कि नेता होने के लिए, जन जुड़ाव होने के लिए, या आपकी एक मास अपील होने के लिए आपको जो है वो फेल या पास अभिनेता होने की ज़रूरत नहीं है। सुनील दत्त अपने प्राइम में थे, नरगिस दत्त अपने प्राइम में थी, जब वो लोग आप देखेंगे उनके तमाम, दिलीप कुमार यू नेवर केम इन पॉलिटिक्स, उसके बावजूद ये लोग फ्रंट पे जाते थे, सेना के साथ जाते थे, जिस तरह से वो काम कर रहे थे, जिस तरह से पहले जन जुड़ाव ज़मीनी तरीके से होता था, एंड देन दे रियलाइज कि भाई हम बेहतर नेता बन सकते हैं, वो राज्यसभा भेजे गए, वो जीत कर आए, और उस तरह से उन्होंने काम किया। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आए, जीते और गायब हो गए, पार्लियामेंट में आए ही नहीं, सवाल ही नहीं पूछा, ये हर पार्टी में हुआ है। तो द थिंग इज दैट कि वैसे ही जैसे कि एक अच्छे माँ बाप होते हैं और बुरे माँ बाप होते हैं, बुरे माँ बाप वो होते हैं कि भाई उन्होंने पैदा करके छोड़ दिया, नहीं परवाह करी, अबैंडन कर दिया, केयर नहीं करी, पेरेंटिंग करी लेकिन उतनी ही करी जितनी करनी थी, या पैसा कौड़ी दे के बर्बाद कर दिया या बिल्कुल नहीं दिया। और कुछ होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं गोइंग अगेंस्ट, तो नेता भी वैसे ही होते हैं कि वो कितना उनमें जज्बा है वापस लौट के सर्व करने का। पर ये सबके साथ है, ये सिर्फ हम अभिनेताओं को क्यों देखें, क्रिकेटर्स के साथ भी ये कहानी है, ये कहानी जो है ये बिजनेसमैन के साथ भी है, ये कहानी टीचर्स एंड प्रोफेसर्स के साथ भी है, सबके साथ है। अब जहाँ बात आती है कि ऐसे लोगों को लड़ाने की, मैं दृष्टता के लिए माफ़ी चाहता हूँ, जी, 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 जी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो केंद्रीय राय एक बार सबकी आ जाए। और विवेक भाई, एक बात तो ये है कि सदफ ने बहुत ही ईमानदारी से ये बात कही, और ये भी माना कि इसमें सारी पार्टियाँ दोषी हैं, उसमें कोई एक ही पार्टी दोषी नहीं है। मैं समझता हूँ कि उसी ईमानदारी के साथ आपका भी बयान और आपका भी विचार सामने आना चाहिए। यह मैं समझता हूँ कि आप राजनीतिक दल के प्रवक्ता भी हैं और आपकी अपनी सीमाएँ भी हैं और अपनी प्रतिबद्धताएँ भी हैं, लेकिन आज आप नागरिक की हैसियत से हैं इसलिए आप एकदम बेखौफ और मुक्त होकर बात करें। आदरणीय प्रभात जी, राजनीति में अभिनेताओं का प्रयोग कोई नया नहीं है। सबसे पहले इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने बल्लाल साहनी जी के साथ की थी, अटल जी के खिलाफ, और उसके बाद से सिलसिला चलता रहा। जिस भी दल को राजनीति में देखा जाता है बढ़त मिल रही है, तमाम सिने स्टार, तमाम क्षेत्रों के लोग उसमें अप्रोच करके अपनी जगह बनाते हैं, उनको राजनीतिक दल मौका भी देता है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि ऐसी जगह पर जब ये सिने स्टार जाते हैं तो वहाँ के राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या होती है, कहीं ना कहीं वहाँ राजनीतिक कार्यकर्ता मारा जाता है, उसका हक मारा जाता है। ये लोग आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, चार पाँच साल वहाँ पर राजनीतिक पिकनिक मनाते हैं, उसके बाद उस क्षेत्र को छोड़ के चले जाते हैं। मैंने अमिताभ बच्चन का चुनाव देखा, जब राजीव गांधी ने उनको लड़ाया था इलाहाबाद से, हिमती नंदन मोगला जी ने इलाहाबाद के लिए जो किया उस दौर में, शुरुआती दौर में राजनीति में किसी ने इलाहाबाद के लिए कुछ नहीं, उतना नहीं किया था, लेकिन अमिताभ बच्चन के स्टारडम का प्रयोग करके राजीव गांधी ने
पगोड़ा जी को चुनाव हरवा दिया और उसी का दुख उनको ऐसा लगा कि अगला चुनाव लड़ने के लिए पगोड़ा जी जिंदा नहीं रहे। क्या बात, उसी गम में दुनिया से कूच कर गए। उनको बड़ा आघात लगा कि मैंने जिस इलाहाबाद के तिनके तिनके को इतना पाल पोस के बनाया, मैं उस इलाहाबाद चुनाव हार गया। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इस तरह के उत्पीड़न का सामना करना पड़ता, चाहे हमारे दल का हो चाहे किसी दल का हो। अब जो इन लोगों को ताकतें ले आती हैं राजनीति में या पार्टी के अंदर, उनका भी ये जिम्मेदारी बनता है कि वो इनके ऊपर देखें कि भाई ठीक है, अगर आप किसी कार्यकर्ता को रिप्लेस करके इनको ला रहे तो उस कार्यकर्ता का समायोजन कहीं उचित स्थान पर हो और वहाँ राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ इनका कुछ सामंजस्य बने, ये स्टारडम में ही ना रह जाए। ऐसी तमाम जिम्मेदारियां उस नेतृत्व के ऊपर भी हम लोग फिर आएंगे विवेक जी, लेकिन आपने जो है बहुत ही सीरियस ये बात कह दी है कि ये जो है इस तरह से स्टारडम के चक्कर में जिन कैंडिडेट्स को उतारा जाता है, इसका मतलब है कि वहाँ के मूल कैडर की कार्यकर्ता की हत्या कर दी जाती है। तो ये एक गंभीर बात है। आपने ठीक कहा कि ऐसा सारी पार्टियां कर रही हैं, सब करते हैं। और मेरी चिंता ये है, मैं नवाब साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, कि मेरी चिंता ये है कि आखिर ये जो नेता हैं उनका एक अपना काम है, एक राजनीति करने वाले सियासतदान जो हैं उनका अपना एक काम है, फिल्मी दुनिया का अपना एक काम है जी, मैं पत्रकार हूँ मेरा एक अपना काम है, जो न्यायविद है उनका अपना एक काम है। अब ये जो डेमोक्रेसी में ये जो घालमेल का जो सिलसिला शुरू हुआ, तो नौकरशाह ठीक से काम नहीं कर पा रहा, पत्रकार भ्रष्ट हो रहा है, और बॉलीवुड जो है वो सोचता है कि हमारी फिल्में जिस समय फ्लॉप होना शुरू होंगी मैं उधर चला जाऊंगा। तो बेसिक जो घालमेल जो बेसिक लोकतंत्र का हो रहा है, ये तो अच्छा संकेत नहीं है ना कि हम लोग किस तरह की डेमोक्रेसी फॉर्म करेंगे। नवाब साहब आपकी राय चाहूंगा इस पर। देखिए, ऐसा है कि पहले जो पॉलिटिक्स होती थी, पहले जो लोग इस मैदान में आते थे वो एज अ प्रोफेशनल नहीं आते थे, वो एक समाज सेवक की तरह से आते थे। उनमें एक जज्बा होता था कि किस तरह से ह्यूमैनिटी और इंसानियत को सर्व किया जाए, किस तरह से मेयार अपने मुल्क का बेहतर किया जाए, किस तरह से वो जो दबे व कुचले हुए लोग हैं, यानी एक उसूल होता था और एक सैक्रिफाइस होती थी। और पहले पढ़े लिखे लोग ज़्यादातर इस पॉलिटिक्स में दाखिल होते थे, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि वो लोग जो जाहिल हैं, जिनके पास पैसा है, कहाँ से आया इसकी कोई शिनाख्त की ज़रूरत नहीं है, जिनमें ताकत है उस किस्म की जो कि नेगेटिव होती है, जो माशरे को और तबाह बर्बाद करती है, जो अपने दम के ऊपर एक तरह से लोगों को डरा के और धमका के वोट लेने की सलाहियत रखते हैं, तो ये गलत एक ढर्रा एक तरह से चल दिया है। अब राजनारायण साहब बिहार से वो जो थे, जयप्रकाश नारायण साहब, जयप्रकाश नारायण, उनकी अगर आप एक मिसाल लें, उन्होंने अपने लिए तो कुछ चाहा नहीं। विनोबा भावे वगैरह जैसे थे, उन्होंने अपने लिए तो कुछ चाहा नहीं। महात्मा गांधी थे, उन्होंने अपने लिए तो चाहा नहीं, उन्होंने मुल्क के लिए चाहा कि मुल्क आज़ाद हो, जो गरीब तबका है वो उभरे, वो मुआशरा जो है वो बैलेंस्ड हो जी। लेकिन अब बिल्कुल ये पलट चुका है मामला। अब जो नेता है वो खुद वो चाहता है कि हम क्या और हम अपने उरूज को किस तरह से बरकरार रख सकते हैं, चाहे गलत हो या सही हो, हमारी कुर्सी ना जाने पाए, हमारा पावर जो है वो बरकरार रहे, मुल्क जो है उसका चाहे सत्यानाश हो जाए। बीच में सर एक बात मैं पूछता चलूँ और नहीं उसको थोड़ा साफ करना ये चाहता हूँ कि साफ तरीके से मेरे भी जहन में आए कि ये जो आपने कहा ना कि कमतरी का एहसास जो नेताओं में हुआ है, तो ये जो कमतरी का एहसास हुआ इसकी वजह क्या पाते हैं आप कि क्यों कमतरी, क्यों इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का ये शिकार हो रहा है? वजह ये है कि देखिए, पहले जो लोग होते थे वो सच्चे होते थे, उनकी ज़बान जो थी वो पत्थर की लकीर होती थी, अगर उन्होंने कोई चीज़ कही है तो वही चीज़ उनके दिल में भी होती थी, वही दिमाग में भी होती थी और वही ज़बान पर भी होती थी। आजकल झूठ का, मक्कारी का, अय्यारी का, इसका सहारा लेके कुछ अनाउंस किया जाता है और वो पूरा करने के लिए नहीं होता है।
बाद में कह दिया जाता है ये तो जुमला था। तो इस वजह से जो अवाम है इनकी इज्जत उनकी नज़र में तो रही नहीं, अवाम की नज़र में। जब अवाम ने समझ लिया कि ये सच्चा नहीं है और ये जो वादे कर रहा है ये पूरे नहीं होंगे, तो इनमें अपने लिए एक एहसास कमतरी पैदा हो जाती है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है, और इसी वजह से फिर ये गुरेज करने लगते हैं, भागने लगते हैं। मैं आऊँगा नवाब साहब आपके पास फिर, और सदफ़ आपके पास हूँ कि ये जो बहुत ही बढ़िया बात उन्होंने कही कि उनको लगता है जो बात ये कह रहे हैं वो तो इनकी नफासत का अंदाज है, वो इस तरह से कह रहे हैं, हम तो बेबाक और थोड़े रूखे सूखे टाइप के आदमी हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो है ये जो नेता हैं ये ठीक से तो काम करते उड़ते हैं नहीं, इनको ये अपराध बोध होता है कि अब ये काम तो हमने किया नहीं है, नेचुरली उनको तो फील होता होगा, तो उस वजह से इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में है। बताऊं मैं आपको, जो जमीनी नेता है, जैसे कि अगर आप जमीन पे काम कर रहे हैं उसके, और ये हर पार्टी लाइन में, उसके हाथ कभी ना कभी खेत में धान काटते हुए छिले होंगे, नहीं भी छिले होंगे तो छिले हुए हाथों को उसने कभी थामा होगा, थामने के बाद हाथ नहीं धोया होगा, उसका खाना जो है वो अलग से टिफिन में नहीं आया होगा, वो साथ में बैठ के थामा होगा तो धोया नहीं होगा, क्या बात है। तो टिफिन जो है उसका साथ नहीं चलता होगा, बिस्लरी साथ नहीं चलती होगी, वहीं हैंडपंप का पानी पीता होगा, साथ में बैठता होगा, दलित के घर में जाता होगा तो कहता नहीं होगा दलित के घर में गए, कहता होगा रमुआ के घर गए, शंभू के घर गए, फलाने अंसारी के घर गए, ये नहीं कहता होगा कि हम किसके घर आए। लेकिन अब आप देखिए कि ट्रैक्टर पे हैं तो पंखे लगे हैं, सड़क पे चल रहे हैं तो छाता है, ये गरीबी का भी मजाक है। अगर मेरे लिए धूप है तो उस गरीब के लिए भी धूप है, मुझे पंखे की ज़रूरत है तो उस गरीब को भी धूप है। ये जो स्टारडम हम अपनी स्लीव्स पे पहन के गरीबों के बीच में जाते हैं वो कहीं ना कहीं एक मौकरी बन के रह जाता है, वो कहता है आंख मार के ताली ठोक के हंसता है उस गरीब की गरीबी पे, उसकी लाचारगी पे और हालात पे। दूसरी बात, एक बात मैं बताऊं कि बलराज सहानी जी का जब नाम आया, ये वो एक्टर है जिसने 2 बीघा जमीन करी थी, इप्टा से जुड़े रहे थे, जमीनी कार्यकर्ता थे कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भी। तो जब इस तरह का आदमी को टिकट देके नेता बनाया जाता है तो उसे पता है उसने अपने हाथ से खींचा था नंगे पैर सड़कों पे कलकत्ता के हाथ का रिक्शा, और उसमें एक सीन है जब वो कहता है कि नंगे पैर क्यों जमीन जलती है, तो कहा 2 रुपए की चप्पल लेकर रहने दो बाबू, 2 रुपए की चप्पल हम नहीं खरीद पाएंगे। वो आईना था समाज का उस जमाने में। आज की तारीख में देखिए किस तरह की पिक्चर है, तो छोड़िए किस तरह के इंटरव्यू बनते हैं, आज सुबह अक्षय कुमार ने साबित कर दिया। कोबरा पोस्ट ने, बस एक मैं छोटी सी बहुत छोटी सी बात कह दूं, कोबरा पोस्ट ने, ये जो फिल्म एक्टर्स की बात हो रही है, कोबरा पोस्ट ने एक स्टिंग किया था, विवेक ओबरॉय, अमीषा पटेल, अभिजीत, सोनू निगम और तमाम लोग निकल के आए जो ट्वीट करने को तैयार थे एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के पक्ष में, 2 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ ये दाम लग रहा था तारीफ करने का। क्यों जरूरत पड़ रही है हमें इन लोगों की, क्यों हम अब जनता क्यों नहीं हमारी जय जयकार करती, क्यों ऐसा नहीं होता कि हम गांधी जी की तरह अनशन करें तो जनता जो है थम जाए, खड़ी हो जाए, क्या मरने नहीं देंगे जो कहोगे। और समय जो है वो मध्यांतर का हो गया है, लेकिन हम कुछ सवाल लेकर विवेक जी आपके पास आएंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्दी लौटते हैं आपके पास। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं नेताओं में बचा नहीं है दम, अभिनेता ठोक रहे हैं खम। और ब्रेक पर जाने के पहले सदफ जाफर जी ने बलराज साहनी का जो प्रसंग विवेक जी ने छेड़ा था उस पर बहुत ही बढ़िया उन्होंने, वो जो एक संदर्भ है वो आपने बहुत ही बढ़िया अंदाज में और बहुत ही अच्छी एक रोचक जानकारी दी। और विवेक भाई मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, और आप ये देखिए कि ये आप एक नागरिक के हैसियत से भी आप इस बात पर विचार करिए कि कहाँ बलराज साहनी और कहाँ निरहुआ। आप ये जो व्यक्तित्व का फर्क है ये कौन सी राजनीति को कहाँ लेकर चला आया है कि आप जो हैं, आप योगी जी के चुनाव क्षेत्र में, योगी जी एक व्यक्ति के रूप में नहीं
एक योगी हैं, वो सन्यासी हैं, उनका संसदीय क्षेत्र गोरखपुर, वहां से आप किसी साधु सन्यासी को लड़वाते, किसी बुद्धिजीवी को लड़वाते, आपने वहां फिर एक नौटंकीबाज को, आई एम वेरी सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन ये फैक्ट है कि हम क्या भारतीय लोकतंत्र को नौटंकीबाज बनाने जा रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं आप? तो आप ये बताइए कि निरहुआ के प्रसंग में ये जो व्यक्तित्व का जो संकट है, आइडेंटिटी जो क्राइसिस है, इस पर बीजेपी क्या सोचती है भाई, यह सोचती भी है कि नहीं इस पर? देखिए प्रभात जी, कलाकार तो कलाकार है, चाहे भोजपुरी फिल्म का हो चाहे हिंदी फिल्मों का हो। नहीं, मेरा रंग भेद और भाषा भेद नहीं है, और मैं व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ बलराज साहनी खड़े होते हैं, जिनकी जेंडर की समझ ही नहीं है, नहीं बलराज साहनी जहाँ खड़े होते हो और जहाँ निरहुआ खड़े होते हैं। देखिए बलराज साहनी का जो कार्यकाल था प्रभात जी, वो कार्यकाल बड़ा था, उस कार्यकाल की राजनीति कुछ और थी, आज के कार्यकाल की राजनीति का स्तर आप भी बेहतर समझ रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, यही बात सुनना। और इसके लिए कहीं ना कहीं समाज भी जिम्मेदार है। जी जी बिल्कुल सही, बिल्कुल। भाई इनको देखने भीड़ क्यों आती है? अभी एक नेता अगर वहां जमीन से खड़ा होकर, सवाल है ये, बहुत ही अहम सवाल है ये। एक नेता पूरा जीवन देने के बाद जब वहां खड़ा होता है, हो सकता है उसकी सभा में उतनी भीड़ ना आवे जितनी भीड़ निरहुआ देखने आती है। तो राजनीतिक दल तो भाई मास अपील आदमी को आगे करेगा करेगा। अमिताभ बच्चन को उन्होंने इलाहाबाद से लड़ाया, जब वो फोर्स में राजीव गांधी के नाम अमिताभ बच्चन चले गए, उसके बाद उनको जिताने वालों के साथ वहाँ क्या क्या हुआ है, जिन लड़कों ने, जब अमिताभ बच्चन यूनिवर्सिटी में जाते थे तो लड़कियाँ अपना दुपट्टा जमीन पर देती थी, और जब हॉस्टल खाली कराने में उन्हीं लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उन्हीं लड़कियों को पटक पटक के मारा, और तब अमिताभ बच्चन वहाँ झांकने नहीं आए। तो ये स्टार की एक्टिविटी होती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर के। आपको याद होगा एक बार राजेश खन्ना जब दिल्ली से लड़ रहे थे तो वो एक सूची बना के ले गए थे जीतने वाले उम्मीदवारों की सूची, आपको याद होगा। तो होता क्या, इन लोगों को कोई राजनीतिक समझ तो होती नहीं, इनसे नेतृत्व भी बड़ा खुश रहता है कि कोई प्रश्न तो ये पूछेंगे नहीं, इन्हें खुद अपने क्षेत्र में जाने की फुर्सत नहीं, जीत गए कुछ दिन संसद में दिख गए तो दिख गए, नहीं बाकी अपना फिल्म बना रहे हैं। केवल संख्या बल बढ़ जाएगा, संख्या आज संख्या बल की लड़ाई है, हम एक सीट से सरकार खो बैठे थे। तो अगर विवेक जी ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, बहुत ईमानदारी से बात आपने कही, कहीं ना कहीं इसके लिए समाज ही जिम्मेदार है। बिल्कुल, उस पर हम आते हैं, अल्लामा आपके पास आ रहे हैं और फिर नवाब साहब आपके पास आएंगे कि ये गहरी चिंता है कि समाज जो है वो इनको एक्सेप्ट करता क्यों है, इसका मतलब है कि हम भ्रम में है। कहां है मोती नंदन बाबूला, कहां अमिताभ बच्चन? मैं एक बात कह दूं कि हम लोग इस भ्रम में है अल्लामा कि भारत की जनता जो है बहुत जागरूक है, ये एकदम कपोल कल्पना है, या मैं अगर इस तरह से कहूं तो ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है कि मूर्खों को अगर आप कहेंगे कि बुद्धिमान है तो खुश हो जाएंगे, थोड़ा सा और डिरेल्ड हो जाता है। आप ये बताइए, इसमें सारी पार्टियां दोषी हैं, गोविंदा का हाल देख लीजिए, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं अभी इधर की पॉलिटिक्स में। एक समय था जब राजनीति में जो चेहरे थे फिल्म के, उनका इस्तेमाल जो कुछ खास खास वजहों से होता था, लेकिन अब जो है गोविंदा के बाद जिस तरह से सीन बदला, अभी कांग्रेस ने भी उर्मिला मातोंडकर को उतार दिया। अब बताइए कि उर्मिला मातोंडकर की क्या पर्सनैलिटी है, निरहुआ देखिए, रवि किशन को देख लीजिए, और ये जो है अब वो नवाब साहब के सामने तो आएंगे ही उस बात को लेकर कि गदर की फिल्म की शूटिंग में बहुत ही गहरे जुड़े हुए थे, हैंडपंप यहीं से तो निकला था तो ये हमें पता तो पाकिस्तान से हम लोग जाएंगे। सनी देओल को खड़ा किया गया, चाहिए ना कुछ हैंडपंप से, लेकिन अल्लामा आपकी तरफ आ रहे हैं कि ये जो समाज है, जो नवाब साहब ने बात कही, जयप्रकाश नारायण का नाम लिया, तो ये समाज कौन सा ऐसा समाज होता है जो जयप्रकाश नारायण जैसे लीडर को खड़ा कर देता है, और वो कौन सा समाज होता है जो गुलदस्ते के एक चेहरे को एक मानक चेहरा बना लेता है, ये जो स्पॉन्सर्ड चेहरा है और वो जो पब्लिक चेहरा था, उसमें आप किस तरह से देखते हैं कि राजनीति कहाँ स्खलित हो गई है? देखिए मैंने किसी जमाने में एक नज़्म कही थी, 12 बंद की थी, मगर सिर्फ एक बंद काफ़ी है कि बाकायदे ज़ीस्त हूँ और ज़ीस्त का हासिल नहीं मिलता, सफीना गम के तूफानों में है, साहिल नहीं मिलता, भटकता फिर रहा हूँ, रहबरे मंजिल नहीं मिलता,
कोई मुनिस, कोई हमदम, कोई आदिल नहीं मिलता, पुकारूं या अली किसको, किसी से दिल नहीं मिलता। तो मसला ये है कि देखिए, एक सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारी आवाम की है, और ये हिंदुस्तान की आवाम जो मैं इतिहास देख रहा हूँ, ये हमेशा भोली रही है, और अगर भोली ना होती तो ना यहाँ बाबर टिक पाते, ना कोई और आ पाता, और ना अंग्रेज़ आता। जिसके यानी जो आ गया और जिसने चाबुक उठा ली, बस उसी की जी हुजूरी शुरू हो गई। क्या बात है। और यही चीज़ यानी नेताओं ने समझ लिया कि इनको हांकना कैसे है, इनको खदेड़ना कैसे, इनको अपने पक्ष में लाना कैसे है। तो नेता भी उसी हिसाब से हथकंडे अपना रहे हैं, वही चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई, हम जैसे आदमी को काट दिया जाता है, कोई ऐसा कोई, अब आप बताइए, अब वो दौर नहीं रहा। अगर हमसे कहा जाए कि इलेक्शन लड़ लो तो हट जाएंगे पीछे, चाहे जितना ये पैसा दें, चाहे जो कुछ करें। कौन पैसा देगा? अरे पार्टी के लोग, अगर कोई भी कहे और लाइक भी करे, पैसा देगी क्या बात? तो भी नहीं कर सकता इंसान। हाँ, अब एक चीज बताओ, अपनी कैपेसिटी जब लड़ने की होगी, वित्तीय स्थिति, वो पार्टी इनको टिकट। एक चीज बता दे रहा हूँ, उदाहरण आज भी है कि अगर वो जो लड़का कन्हैया कुमार, आप ये देखिए कि जमीन से जुड़ा हुआ है, चप्पल पहन रहा, माँ के घर दिखाया उसने सारी चीजें, मगर वो डटा, जुल्म के आगे डटा, और जुल्म के आगे डटा। तो आज क्या है कि यही जो स्टारडम है उसके लिए तरस रहा है कि कैसे उसके प्रोग्राम में पहुंचे, कैसे उसकी कन्वेंसिंग करें, और बड़े बड़े लोग वहां चप्पल चप्पल से घूम रहे, और कौन नहीं है जो आज उसकी कन्वेंसिंग के लिए नहीं पहुंचा है। आप ये देखिए, उसने भी ये दिखा दिया कि देखो, अगर इंसान हकीकत में सच्चा बोलेगा, सच्चाई का सामना करेगा, झूठ का पर्दाफाश करेगा, तो आवाम आज भी सरमौर कर देती है उसे। और झूठे मैं नवाब साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ जी, और कहाँ जयप्रकाश नारायण की बात कर रहे थे और कहाँ कन्हैया कुमार पर आ गए, ये तो ये जो है ये दौर है, बदला हुआ दौर है, ये कन्हैया का दौर है, ये भी कहा जा ये जो सकता है। नहीं, हम ये नहीं मानते, और इस पर मेरा बहुत ही क्लियर स्टैंड है कि मैं जो हूँ जयप्रकाश नारायण के कद के सामने में मैं किसी को कद मानता ही नहीं उस तरह। इसलिए कि जो आदमी खड़ा होता है और पूरा का पूरा देश उसके साथ खड़ा हो जाता है, और पूरी सत्ता तो छोड़ दीजिए, वो तो संपूर्ण क्रांति की बात करता है, लेकिन आप ये देखें राजनीतिक दलों का उस समय का भी कैरेक्टर, कि ये सारे राजनीतिक दल जो हैं वो जयप्रकाश नारायण के साथ खड़े होते हैं, और जब सत्ता मिलती है तो जयप्रकाश नारायण ठीक उसी तरह से छोड़ दिए जाते हैं जैसे गांधी जी छोड़ दिए गए। जी जी, है ना। तो ये जो संकट है भारतवर्ष के सामने, विश्व के सिनेरियो पर अगर देखें तो विश्व के सिनेरियो पर जिस तरह से चीज़ें घटित हो रही हैं, व्यक्तिपरक व्यक्तिवादी चीज़ें बढ़ रही हैं, आप चाहे अमेरिका देख लें, आप इसराइल देख लें, आप रूस देख लें, आप चाइना देख लें, तो वो कहीं हवा तो नहीं चल रही है भारतवर्ष में भी कि यहाँ भी उसी तरह से कुछ परिवर्तन कुछ हो। देखिए, ऐसा है कि आप अगर ग्लोबली देखें, ये बात जो है वो ह्यूमन वैल्यूज़ की है, कदरों की है, इंसानियत की है, हक़ की है। ह्यूमन वैल्यूज़ बहुत तेज़ी से, इतनी तेज़ी से गिरती जा रही हैं कि जहाँ पर अब इंसान और इंसानियत की अहमियत नहीं रही। यहाँ जो है किस तरह से पावर, चाहे जिस तरह से हो, अब जो बड़े बड़े मुल्क हैं, सुपर पावर्स जो कहलाते हैं, टेररिज्म के खिलाफ पाकिस्तान में हाफिज सईद है, एंटी टेररिज्म सभी हैं, लेकिन चाइना जो है वो वीटो ले आता है, एक टेररिस्ट को नहीं होने दे रहा है एक मुल्क कि ये टेररिस्ट है। यानी मस्जिदों में बम मारे जा रहे हैं, गिरजाघरों में बम मारे जा रहे हैं, वो इबादत गाहों में बम मारे जा रहे हैं जहाँ पर इंसान सुकून के लिए जाता है। तो ये टेररिज्म जो है ये मुल्क भी फैला रहे हैं, सऊदी अरेबिया जो है टेररिज्म फैलाता है, बिल्कुल, अमेरिका जो है ये टेररिज्म इज द बिगेस्ट टेररिस्ट। बिन लादेन को किसने पैदा किया? बिन लादेन को अमेरिका ने पैदा किया, सऊदी अरेबिया जो था वो सपोर्ट कर रहा है। अबू बकर बगदादी
वो कहते हैं हम अमीरुल मोमिनीन हैं। बताइए, यानी हजरत अली अलैहिस्सलाम जो अमीरुल मोमिनीन थे, मुश्किल कुशा थे, लोगों की मुसीबतों को रद्द करते थे और उनको शिफा पहुंचाते थे, ये शख्स कह रहा है कि हम अमीरुल मोमिनीन हैं और बंदूक मुश्किलें पैदा करने वाला मुश्किल कुशा अपने को बता रहा है, और वो बंदूक की और गोली की और बम की और इन सब की और जमातें जो हैं उसके साथ आ रही हैं दुनिया भर से, यानि लेबनान में और सीरिया में और कहाँ कहाँ उसने तहलका मचा दिया, और अब जाके श्रीलंका वाले। लेकिन नाम अब एक चीज़ और है, ये मुस्लिम्स को ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, और वहाँ भी ढूंढा जा रहा था कि किस तरह से अल्लाह अकबर का नारा या परचम नज़र आ जाए, लेकिन पता चला वो किसी एक दूसरे मज़हब का है जो अमन को मानने वाले हैं, वो उसमें शामिल था जिसमें ये हरकत हुई है, वही मौत के मुल्क में। तो ये है असल में जो वैल्यूज़ गिरती चली जा रही हैं, जो किसी की इज्जत करने के लिए कोई अब मेयार नहीं रहा है। उस्तादों को तो लोग जूते दिखा रहे हैं, लेकिन आपने जो कन्हैया की बात की, जयप्रकाश नारायण का मेयार अपनी जगह पर था, कन्हैया का जो मेयार है वो उसकी है काबिलियत। उसने प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज दिया कि हमसे किसी सब्जेक्ट के ऊपर डिबेट कहीं भी डिबेट कर लें, फिर हम लोगों का मेयार पता चल जाएगा कि क्या है। तो इल्म एक बड़ी शय है, लेकिन वो पॉजिटिव हो, ठीक बात। यही इल्म अगर नेगेटिव हो जाएगा तो इस वक्त जो ट्रंप है ठीक ठीक बात है। और ऐसे जो जो प्रस्फुरित होने वाले जो लोग हैं, जो टैलेंट्स हैं, उनको ऊपर किया जाना चाहिए, है ना। और आगे आगे के दौर में जो संभावनाएं बनती हों, जिनके ऐसे चेहरे हों जिनको सामने लाया जाना चाहिए, मुझे लगता है कि उनको इनकरेज किया जाना चाहिए, हमें इनकरेज करना चाहिए, चाहे वो सुकरात हो चाहे कन्फ्यूशियस हो। ये बड़े बड़े नेताओं से बात नहीं करते थे, ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बात करते थे, ये जाके कहीं यूनिवर्सिटी के अंदर बाहर घेरा डाल के बैठ जाते थे, इनको घेर लेते थे बच्चे और वो उनसे बात करते थे। हमारा जब यूथ से इंटरेक्शन बंद हो गया है, सवाल पूछने से हमें तकलीफ है, हम उनको करार कर देते हैं, ब्रांड कर देते हैं। और एक बात और बताएं, जेपी के टाइम मीडिया ट्रायल नहीं होता था, जेपी के टाइम ये ठप्पे नहीं लगते थे, जैसे कि कहना नीचे मैं नाम लेते लेते रुक गई, कि जैसे एक पर्टिकुलर चैनल ने बाकायदा ठप्पे लगाने का ISO सर्टिफाई कर करके एंटी नेशनल का जो इन्होंने ठप्पा लगाया, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझसे कई बार कहा गया कि भाई आप तो एंटी नेशनल, अगर आप इस नेता के साथ नहीं है तो आप एंटी नेशनल हैं, आप इस आइडियोलॉजी के साथ नहीं है तो आप भारत की दुश्मन हैं, अगर आप इसको नहीं मानती हैं। भाई किसी के लिए भारत माता है, किसी के लिए वो सरजमीन है, हिंद है, जिसके ऊपर वो मत्था टेकता है जब दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है, उसके लिए दिल के करीब है। हमारे घड़ी पर भी निगाह है जी, बिल्कुल, टाइम जल्दी जल्दी भाग रहा है जी, बिल्कुल। और हमारा जो जो विषय है उस पे, हाँ, वो नेताओं में बचा नहीं दम जी, और अभिनेता ठोक रहे खम, बिल्कुल। तो हम इस विषय के इर्द गिर्द रहे जी, बिल्कुल। और विवेक जी आपकी तरफ आ रहा हूँ, और ये एक विचार करने का विषय है कि जैसे आपने कहा ना कि ये चलन नया नहीं है, तो भाई अगर कोई खराब चलन हो तो कोई जरूरी थोड़ी है कि हम उसको ढोएं, हम अपना अपना एक नई अपनी परंपरा शुरू करें, चलन को सुधारें, बेहतर लोगों को बेहतर अभिनेताओं को लाएं। अब आप जो है, हम उसी तरह से अगर चलन करते रहे तो 70 साल उधर गया, फिर और 70 साल जाए, ये चलन बदलने का कुछ नहीं। मेरा आशय ये था कि पार्टी का कैडर, पार्टी का कार्यकर्ता इन चीजों पर क्यों सोच नहीं रहा है, अपने नेतृत्व के खिलाफ बगावत क्यों नहीं कर रहा है, ये जो मौलिक जो रीढ़ है, वो मौलिक रीढ़ जो है वो कहां चली गई है, कि कार्यकर्ता जो है अमित शाह के पॉकेट की पार्टी है क्या बीजेपी, कि वो जिसको मर्जी आए टॉम डिक हैरी उठा के दे दे टिकट, कि अभी आए भैया हम आ गए टिकट दे दो। लोगों ने स्वीकार किया है, कहा है कि मुझको उस पार्टी में टिकट नहीं मिला इसलिए आ गए, इसका मतलब उसकी प्रायोरिटी टिकट है, उसकी प्रायोरिटी नेशन नहीं है और समाज नहीं है। सही। तो आप जो है, आप और मतलब आप भी और जितने भी प्रवक्ता आते हैं उनसे मैं कहता हूं कि आप जो है वो अपने नेतृत्व को ये दबा के कहते क्यों नहीं है कि भैया आपने जेब की संस्था मत बनाइए पार्टी को, अमित शाह की संस्था नहीं है जेबी बीजेपी। आदरणीय प्रभात जी,
जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं किसी न किसी दल से, जहाँ से आकर के यहाँ लड़ रहे हैं भाजपा में, या भाजपा से किसी अन्य दल में जाके लड़ रहे हैं, निसंदेह उनकी प्रायोरिटी राष्ट्र नहीं है, चुनाव लड़के जीतना उनकी प्राथमिकता है। जी बिल्कुल सही बात है। और समाज इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, जिस विषय पे आपने आज समाज कहाँ जिम्मेदार है, मैं पूरी बात कर रहा हूँ, पूरी बात कर रहा हूँ, जिस विषय पे आज आपने डिबेट रखी है, नेताओं में नहीं एकदम अभिनेता भर अभिनेता ठोक रहे हैं, खम नेताओं में दम बहुत है, नेताओं में दम की समस्या नहीं है, विषय ये है कि समाज उन अभिनेताओं को परिणाम दे रहा है, राजनीति आज परिणाममुखी हो चुकी है। नहीं तो आप ये मान रहे हैं ना कि नेताओं में परिणाम नहीं मिल रहा आपको? काम नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगा? नहीं तो कोई पार्टी हो, अरे भाई तो बदल दीजिए ना, पूरे बॉलीवुड को दे दीजिए संसद, आप बॉलीवुड में चले जाइए। भाई जब शुरू से देखा जा रहा है कि फिल्मी सितारों को नहीं तो फिल्मी नहीं प्रभात जी, शुरू से फिल्मी सितारों को लड़ा करके पार्टियां विजय हासिल करती रही हैं, जब परिणाम मिल रहा है तो पार्टियां लड़ा रही हैं, अगर समाज इनको परिणाम देना बंद कर दे तो पार्टी नेतृत्व की कोई हैसियत नहीं कि इनको दोबारा मैदान में उतारेगी। इस पे मुझे कहना है जी, अब जब रिजल्ट मिल रहा तो लड़ा जा रहा है, ठीक बात है, समाज को तो दोष मानते हैं, दोषी मानते हैं, लेकिन समाज के कंधे का सहारा नहीं लेना चाहिए। देखिए मेरी, हम बहुत सारी चीजें अपने खुद करते हैं और समाज उसके बाद उस हिसाब से बदलता है। मेरे पास दो सब्जियों का ऑप्शन है और उसके अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं है तो मैं वो खाऊंगी। वेयर इज द ऑप्शन? पॉलिटिकल पार्टीज ऑप्शन दे रही है क्या? ये भी हकीकत है कि जब हम उनको वही ऑप्शन देंगे तो वो वही चुनेंगे। वो हो सकता है निरहुआ को वोट ना दे रहे हो, बीजेपी को दे रहे हो, उर्मिला मातोंडकर को नहीं दे रहे हो, कांग्रेस को दे रहे हो, ये भी एक बात है। बहुत सही बात। दूसरी बात, उर्मिला मातोंडकर को जब लाए थे तो मुझे इस पे सवाल था कि वाई हर, ये मैंने वाकई, और ये मैं एज अ कांग्रेस पर्सन भी मुझे पता होना चाहिए क्योंकि मुझे डिफेंड करना है उर्मिला को कहीं ना कहीं, तो मुझे पता होना चाहिए वाई उर्मिला। इनके जो लगातार मैंने भाषण देखे हैं, सेंसिबिलिटी है कितना वो केटर करती हैं, कितना वो काम कर पाती हैं, जीतने के बाद उनका क्या रवैया होता है, इस पे मैं बात तभी से नहीं कह सकती क्योंकि क्या भविष्य के गर्भ में आप नहीं कह सकते, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक चीजों को मुद्दे पे उनकी समझ है। जैसे रेणुका शहाणे है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं एफिलिएटेड है लेकिन उनकी समझ है। बट शहाणे शुड नॉट बी कंपेयर्ड विद उर्मिला मातोंडकर। नो नो, आई एम टेलिंग यू शी हैज ना, अगर वो कल को शी डिसाइड्स टू जॉइन एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, यू कैन नॉट से कि एक चमकदार चेहरा ले आए जो फेल हो गई, जो अब फिल्मों से अलग हो गई। लेकिन ये इस तर्क से मैं अपनी असहमति जताता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि अगर उस हिसाब से देखा जाए तो सनी देओल भी तो बढ़िया बोलता है और रवि किशन भी तो अच्छा बोलता है, निरहुआ के बाद छोड़ दीजिए, निरहुआ ने कौन सा पाप किया है? नहीं नहीं, पाप की बात वो भी एक, वो भी फिल्म स्टार हैं, बोलने की क्षमता के बारे में बात कर रहा हूं, नहीं जो वो भी अपने अपने दायरे को भी कलाकार हैं, अरे वो जिसमें उनके भी लोकप्रियता उनके भी चाहने वाले हैं। मनोज तिवारी जी, जिस तरह से उस शिक्षिका को उन्होंने स्टेज से उतारा है कि नीचे जाके बैठो, इसके खिलाफ एक्शन लो, इसने कैसे कहा गाना गाने के लिए, जबकि पुलवामा के बाद वो गाना गा रहे थे उसी दिन उस किसी मंच पे, तब आप गा सकते हैं जब 44 मर गए 40 मर गए, लेकिन एक अध्यापिका ने कह दिया तो आप उसकी नौकरी तक खाने को तैयार हो गए। तो जिस तरह के हमें देखना पड़ेगा, पार्टीज को भी देखना पड़ेगा कि अगर अभिनेताओं को ही टिकट देना तय किया है तो कम से कम उन पे भी सर्वे कर ले, काम कर ले, ऐसा ना हो कि कहीं सेना कुछ करे, एक्शन ले तो वो सेना के कपड़े पहन के सड़क पे निकल आए। आपकी इजाजत अगर हो तो मैं नवाब साहब के पास आता हूँ। बिल्कुल। और एक जो अहम सवाल है कि ये जो नफासत, ये जो है एक मर्यादा है, जो नैतिकता है, ये जो पॉलिटिक्स से बिल्कुल तिरोहित, जिसको हिंदी में कहते हैं तिरोहित हो जाना, खत्म हो जाना, विलुप्त हो जाना, ये जो धीरे धीरे विलुप्त हो गया कि एक जो है सोशल मर्यादा भी नहीं रही, आडवाणी ऐसे नमस्ते किए हुए हैं, प्रधानमंत्री आते हैं उसकी उनकी तरफ देखते भी नहीं हैं, जोशी जी ऐसे कर रहे हैं जोशी जी की तरफ देखते नहीं हैं, और बगल में खड़ा एक व्यक्ति है उससे हाथ में आने लगते हैं, ये जो एक एक इतनी भी नैतिक मर्यादा भी नहीं रही कि हम जो है अपने बुजुर्गों और कहते हैं बड़ी बड़ी बातें, ईमानदारी पारदर्शिता और चरित्र, ये कौन सा संस्कार है भाई कि बुजुर्ग आदमी है आप अगर दो मिनट के लिए खड़े हो जाए उनका हालचाल पूछने तो कौन सा मोदित्व तो आपका हनन हो जाता है? मेरे ये डेमोक्रेसी का ये जो एटीट्यूड है ये मेरी समझ में नहीं आता है। नवाब साहब आपकी राय क्या है इस पर? ये भी एहसास से कम तरी है, ये ईगो जो है, द रिस्पेक्ट
they themselves do not deserve. So they do not know how to give respect to. क्या बात है? बहुत उम्दा. बहुत सही सर, बहुत सही. और ये बीजेपी में एक बार ये जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारे, ये यहाँ लखनऊ आए हुए थे, मुझे भी मतलब वो नॉन पॉलिटिकल लोगों को उन्होंने क्लास में बुलाया था बात करने के लिए कि बीजेपी कैसे तरक्की करे और बीजेपी का क्या स्टेटस है. हम खामोश बैठे रहे. जब सब बोल लिए जिन्होंने हमें बुलाया था, वो कहेंगे आप अपनी भी तो कोई राय दीजिए. तो हम इत्तेफाक से उन्हीं के पास बैठे हुए थे, अरुण जेटली. हमने कहा देखिए जो मैंने महसूस किया है, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे शख्स जो कि नायाब और नादिर, ऐसा शख्स नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा. आप लोगों में कमी ये है कि जिसने आपको बनाया, जिसने आपको ये मकाम दिलवाया, आपने उसको दरकिनार कर दिया. जब वो बीमार पड़ गए, जब वो इस लायक नहीं रहे, उनको किसी ने पूछा नहीं, और जब उनका इंतकाल हो गया तो उनके नाम के ऊपर आप उनका एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहे हैं. तो आप अगर इतने एहसान फरामोश होंगे, आप में इतनी ज़्यादा एक बेहिसी होगी और आप कद्र करना नहीं जानेंगे, तो अल्टीमेटली आपको भी कद्र कोई करने वाला नहीं मिलेगा, आपको भी धुतकार ही दिया जाएगा. बिल्कुल. और ये नतीजा जो है वो धीरे धीरे सामने आ रहा है. और नहीं, लेकिन इनको धुतकार, जैसे इनको जो आपने कहा ना कि धुतकार दिया जाएगा, बिल्कुल जाए. लेकिन कहाँ जनता जो है इस तरह से धीरे धीरे फर्क बहुत आ रहा है. अब बहुत फर्क आ रहा है. जनता जो है वो अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, क्योंकि हमारी एक चीज और हो रही है कि जब धार्मिक गुरु, चाहे वो महंत हो चाहे वो मौलवी हो, जब वो नेता बनने की कोशिश करेंगे और नेता धर्म के पुजारी बनने की कोशिश करेंगे, तो ना वो नेता रहेंगे ना धार्मिक. ये बात सही है. ये कांग्रेस के लिए भी मैसेज है और बीजेपी के लिए तो है ही. हम लोगों ने योगी को भी देखा है और प्रमोद कृष्ण को भी देख रहे हैं, प्रज्ञा ठाकुर को भी देखे. समय समाप्त हो गया है और पता ही नहीं चला कि हम लोग एक घंटे की बातचीत हम लोगों की हो गई. एक घंटा हो गया. और नवाब साहब, लेकिन हम ये आपको आश्वस्त करते हैं कि हम फिर आपको बुलाएंगे और फिर बातचीत करेंगे. मैं दर्शक दीर्घा के, जनता दीर्घा के समक्ष हूँ. मैं जल्दी से एक बात कह दूँ कि जॉर्ज ऑरवेल नाम के एक शख्स हुए हैं और उन्होंने एक किताब, एक उपन्यास लिखा, वो उसका नाम था एनिमल फार्म. और जॉर्ज ऑरवेल के साथ संयोग ये है कि ये मोतिहारी बिहार में पैदा हुए थे और उनका हालांकि इंतकाल इंग्लैंड में हुआ, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी. उन्होंने कहा कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स. अब इस वाक्य का अर्थ जॉर्ज ऑरवेल भी नहीं तलाश पाए, और मुझको लगता है कि भारतवर्ष के लोग एनिमल फार्म के पात्र हैं, जिनमें से कुछ लोगों को कहा जाता है कि आप समान हैं और कुछ लोगों को कहा जाता है कि आप समान से कुछ अधिक समान हैं. इसके प्रति आगाह रखना है, रहना है. हम फिर कल किसी खास विषय पर आपसे बातचीत करेंगे. तब तक के लिए नमस्कार.